यहाँ पे आज बात कर लेते हैं टॉप फाइव ऐसी बुक जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आपको पता नहीं है कि यार पैसे को कैसे मैनेज करना है या फिर कैसे सेव करना है या फिर कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को ढूंढ रहे थे गूगल के अंदर, देन गूगल को मत परेशान करो, इस बुक को पढ़ सकते हैं। आपके सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको इन डेप्थ के अंदर देखने मिल जाएंगे। सो यहाँ पे गूगल करना नहीं पड़ेगा नेक्स्ट बार जब आपके पास काफ़ी सारे पैसे आते हैं। तब सो लेट्स बिगिन दिस वन। और यहाँ पे पहली बुक है ऑफ कोर्स द 4 आवर वर्क वीक। अगर आपको जानना है कि यार पैसे कैसे वर्क करते हैं या फिर अगर आपको जानना है कि यार मैं अपने जॉब को कैसे छोड़ के बिजनेस शुरू कर सकता हूँ या फिर अगर आपको अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज सही काम के लिए कैसे कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। बिकॉज ऑथर ने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया है कि यार कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम और वो क्वालिटी वाला काम कैसे कर सकते हैं। सो, अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अभी मूवी देखने में, पार्टी करने में, या फिर अभी जॉब कर रहे हो 9 to 9 या फिर 9 to 5 या फिर जो भी कर रहे हो, अपना टाइम को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो, तब आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार मुझे अपना टाइम किस चीज़ों पे या फिर किन लोगों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है या फिर डाउट है या फिर जो भी घूम रहा है माइंड के अंदर कन्फ्यूजन, वो सारा का सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे इस बुक को पढ़ने के बाद सॉल्व हो जाएगा। बट ध्यान में रखना, पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ अप्लाई करना, अगर नहीं करते हैं देन टाइम वेस्ट होगा, पैसे बर्बाद होंगे और वो ऑथर आपसे नहीं चाहेंगे। बिकॉज अगर आप बुक को पढ़ते हैं कुछ अप्लाई नहीं करते हैं, ऐसी मनी वाली बुक या फिर सेल्फ हेल्प वाली बुक, देन ऑथर का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप। सो पढ़ने के बाद कुछ अप्लाई करना एंड मुझे बताना कि क्या अप्लाई किया या फिर क्या सीखा इस बुक को पढ़ने के बाद। सो पढ़ लेना द 4 आवर वर्क वीक। और यहाँ पे सेकंड बुक है ऑफकोर्स रिच डैड पुअर डैड। सो अगर आपको जानना है कि यार एक्चुअल में पैसे को कैसे मैनेज करना है, अगर आप रिच बन जाते हैं तो रिच बनने के बाद या फिर जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो उस मनी को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे डालना है, कहाँ पे नहीं डालना, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर आपको अपना बिजनेस यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, या फिर जब आप मिस्टेक करते हैं तो वहाँ से आप कैसे सीख सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे ऑथर ने इसके अंदर बताया है। एंड पढ़ते हो तो अप्लाई करना जैसे कि मैंने पहले कहा था। एंड ये बहुत ही मैथमेटिक वाली बुक नहीं है, काफ़ी स्टोरी टेलिंग वाली बुक है। सो पढ़ते समय बोरिंग फील नहीं होगा और इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंपल है, बहुत ही हार्ड कोर लैंग्वेज नहीं है। एंड स्टिल इंग्लिश नहीं आती या फिर प्रॉपर नहीं आती है, देन आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में बाय कर सकते हैं या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर बाय कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल हैं, सो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट पढ़ लेना, पहली बात ये होती है, एंड बाय करते हो शुरुआत करना, आई थिंक यू गोना लव इट, मजा आएगा पढ़ने में, काफ़ी अच्छी बुक है। और यहाँ पे थर्ड बुक है ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको पता होगा कौन सी बुक है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट के अंदर एंड कोई भी डाउट है यार कि करूँ या फिर ना करूँ, या फिर आपके बैंक के अंदर कुछ पैसे पड़े हैं जो आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप डाल सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। बट डालने से पहले आपको जानना होगा कि यार स्टॉक मार्केट है क्या, ये जो कुआ है उसके अंदर काफ़ी सारा पैसा है, अगर आप ऐसे बाल्टी डालते हो तो पूरी की पूरी बाल्टी भर जाएगी, बट वो बाल्टी कैसे भरनी है इसके अंदर है कि कैसे भरनी है, और अगर खाली हो जाती है तो कैसे वापस से भरनी है, वो सब कुछ यहाँ पर ऑथर ने आपको इसके अंदर डिस्क्राइब किया है। सो पढ़ लेना, आई थिंक यू गोना लव इट, बिकॉज अब ए टू जेड स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ बताया ऑथर ने। आई मीन जो भी क्वेश्चन है मार्केट के बारे में, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देखने मिल जाएंगे। एंड पैसे को कैसे फाइनेंस करना है वो भी है, बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट है तो पैसे को कैसे मैनेज करना है वो भी होगा, बिकॉज ऑफ मार्केट के अंदर एक घंटे में लोग करोड़ों गवा देते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो भी यहाँ पर ऑथर ने बताया है। सो पढ़ सकते हैं एंड आई थिंक यू गोना लव इट, बट थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी हार्ड है तो वो देख लेना, अगर इंग्लिश के अंदर हाथ थोड़ा सा देन आप हिंदी में बाय कर सकते हैं, यही है। और यहाँ पे फोर्थ बुक है ऑफकोर्स 0 to 1। मैंने काफ़ी सारे वीडियो के अंदर आपको बताया कि आपको पढ़ने चाहिए, स्टिल कोई पढ़ता ही नहीं है, क्यों नहीं पढ़ते, पढ़ लेना, बिकॉज ऑफ जो स्टोरी ऑथर ने आपको बताई इस बुक के अंदर वो मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं कि आप किसी भी और बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। सो पढ़ लेना, उनकी जर्नी है जो पेपाल के को फाउंडर थे, उनकी जर्नी है कि यार उन्होंने यहाँ से यहाँ तक कैसे ले गए विदाउट मनी टू बिलियनर।
जाननी है स्टोरी, पढ़ लेना इस बुक के अंदर, मेरे हिसाब से आपको काफ़ी पसंद आएगी और काफ़ी छोटी बुक है। सो इतना नहीं होगा कि यार 3-4-5 या फिर 6 या फिर 7-8 महीने चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। काफ़ी कम टाइम के अंदर आप ख़त्म कर देंगे एंड काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखेंगे और कुछ अप्लाई करते हैं, देन सोने पे सुहागा पढ़ सकते हैं 0-1। यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लिस्ट बात कर लेते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। ये क्यों पढ़नी है? बिकॉज ऑफ ये माइंड के बारे में है। माइंड के बारे में काफ़ी सारे दूसरी बुक हैं बट इसके अंदर जो ऑथर ने डिस्क्राइब किया है माइंड से लेके मनी तक सब कुछ है। सो ए टू जेड एलिमेंट यहाँ पे कह सकते हैं बुक के अंदर है। सो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दूसरी कुछ बुक्स है ब्रेन के बारे में बट वो सिर्फ माइंड के बारे में ही है। सो मैंने इसको चूज़ किया है। आई होप आपको पसंद आएगी। इसको पढ़ते हैं तो एंड पढ़ते हैं तो कुछ अप्लाई करना। पैसे के बारे में भी है, लोगों के बारे में भी है, थॉट्स के बारे में भी है, माइंड के बारे में भी है और काफ़ी सारा दूसरा नॉलेज यहाँ पे ऑथर ने आपके साथ शेयर किया है। और ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको जानना भी नहीं है पैसे के बारे में या फिर किसी भी और चीज़ के बारे में, स्टिल आपको पढ़नी चाहिए बिकॉज जो यहाँ पर आप सीखेंगे पढ़ने के बाद वो काफ़ी अच्छा है। गूगल तक भी आपके जो आंसर हैं वो दे नहीं पाएगा और वो आपको यहाँ पे आप लोग देखने मिल जाएंगे। सो पढ़ सकते हैं। अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं तो तीसरी बार पढ़ना, बिकॉज जब आप बार बार पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आप उस चीज़ के अंदर बिलीव करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे बोनस बुक है ऑफकोर्स द रिचेस्ट मैन इन बेबलॉन। ये बोनस बुक है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बात करने वाला नहीं हूँ बिकॉज मैं इसका रिव्यू बनाने वाला हूँ या फिर समरी बनाने वाला हूँ या फिर जो भी कहना चाहते हैं वो बनाने वाला हूँ। सो क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी छोटू मोटी सी बुक है। सो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन नहीं लगेगी, 1 दिन के अंदर या फिर 1 घंटे के अंदर इसको आप ख़त्म कर देंगे। एंड अच्छी बात क्या पता, ये सभी की सभी रीजनल लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है बिकॉज अभी काफ़ी पुरानी बुक है। पैसे के बारे में जो भी क्वेश्चन था ना, पैसे के बारे में इन सब बुक के अंदर है, यही इस बुक के अंदर। बट जो ऑथर ने डिस्क्राइब किया है वो काफ़ी अलग लेवल से डिस्क्राइब किया है। सो काफ़ी सिंपल भाषा के अंदर आपको समझाया है पैसे के बारे में। सो पढ़ लेना, आई थिंक यू गोना लव इट बिकॉज सबको पसंद है तो आपको पसंद तो आने वाली ही है। द रिचेस्ट मैन इन बेबलॉन। यहाँ पे ये थी टॉप 5 बुक जो आपको पढ़ने चाहिए मनी को सेव करने के लिए या फिर बचत करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए, आप जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। सो एक बार तो इनमें से कोई भी एक बुक को या फिर सभी के सभी बुक को पढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ क्यों नहीं, 3 घंटे की मूवी देख सकते हो तो 1 घंटा रोज का पढ़ ही सकते हो, का ही नहीं पढ़ सकते। पढ़ लेना, आई थिंक काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखेंगे और काफ़ी कुछ यहाँ पे नॉलेज गेन करेंगे। अगर आप बुक पढ़ते हैं डेली 1 घंटा या फिर आधा घंटा भी पढ़ते हैं देन काफ़ी अच्छी बात है, पढ़ सकते हैं। एंड स्टिल कोई भी डाउट है इस बुक के बारे में या फिर कोई भी दूसरा क्वेश्चन घूम रहा है कि यार यही है वो है यार जो भी है, आप कमेंट करें, कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देखने मिल जाएंगे इमीडिएटली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड पढ़ लेना। और मुझे बताना कि यार आप कौन सी बुक पढ़ेंगे या फिर कौन सी बुक पढ़ी है आपने या फिर हम कौन सी बुक को ऐड करना भूल गए, बिकॉज कोई ना कोई बच ही जाती है books। Bye bye, have a great day and always read.